हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं बर्तन धो रही थी। मैंने सिहरी के बर्तन नहीं धोए थे तो सारे सिंक में पड़े हुए थे, तो मैंने अभी बर्तन धोया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये मैंने दो दो बर्तन में दूध रखा हुआ है। वो हुआ ये कि पैकेट वाला दूध जो है, ऐसा हो रहा है कि दूध आता है, जब मैं उसको गैस पर रखती हूँ तो फट जाता है। तो ये दो पैकेट था दूध, तो मैंने दोनों पैकेट को अलग अलग रखा है ताकि जिसको फटना होगा वो अलग फटेगा। ऐसे मुझे इस वाले पर डाउट हो रहा है कि शायद ये फट गया है, लेकिन अभी फ्रिज से निकला है तो मैंने नॉर्मल होने के लिए रख दिया है इन दोनों को। और आज मन नहीं था कुछ ज़्यादा बनाने का, तो मैंने अफतारी की तैयारी जो है शॉर्टकट में की है। ये इसने बेल का शरबत फुला दिया था फोड़ करके, और अब इसमें थोड़ा सा चीनी मिक्स कर दे रही हूँ। ये जो है सहरी तक, ये सॉरी सहरी बोल रही हूँ मैं, अजान तक जो है अफतार के टाइम तक ये फूल के सॉफ्ट हो जाएगा, जिसको मैंने भिगो दिया है। फल भी नहीं मंगवाया था, पहले से ही बचे हुए थे। अंगूर थे तो अंगूर मैंने कल बाहर निकाला नहीं, तो ये बड़े मुरझा गए थे, तो मैंने इनको पानी में डाल दिया ताकि थोड़ी देर में पानी से भीग करके थोड़ा सा कड़े कड़े हो जाए तो अच्छे लगेंगे खाने में। और ये तरबूज बचा हुआ था, पपीता ही बचा हुआ था पहले का, फ्रिज से मैंने सब बाहर निकाला। ये खरबूजा भी था, यही सब होगा। और मैं अफ्तारी के साथ साथ आज, चूँकि ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खाने की तैयारी यानी रात के खाने की तैयारी भी साथ साथ कर ली है। आटा गूंद के रख दिया है, और ये तुरई, नेनुआ जिसको बोलते हैं तुरई, इसको इसी की भुजिया बनाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा तेल मसाला से जो है पेट में दर्द हो रहा था लगातार, तो सोचा कि डॉक्टर ने बोला कि तेल ज़्यादा नहीं खाना है। तो आज घुगनी भी मैं नहीं बनाऊंगी। घुगनी देखिए, मैं आज घुगनी नहीं बना रही हूँ। ये मैंने जो काले वाले चने हैं इसको मैं उबाल दूंगी, उबाल के इसकी चाट बनाऊंगी। इसके लिए मैंने प्याज काट के रख लिया है, सिर्फ कचड़ी थोड़ा सा है तो कचड़ी बनाऊंगी मैं। शरबत बना के मैं रख देना चाह रही हूँ कि पहले से बना के रख दूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए ये मेरा शरबत तैयार है। अभी से बना के फ्रिज में रख दूँगी तो ठंडा होता रहेगा। ये शरबत बन ही गया। अब मैं काले चनों को कुकर में डाल के उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी मिक्स कर दिया है, सिर्फ उबाल लूंगी मैं इनको। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो मुझे इस वाले दूध पे डाउट लग रहा है कि शायद फट गया है, क्योंकि गाढ़ा लग रहा है ये। आह, गिर भी गया। तो मैं पहले सोच रही हूँ चाय बना दूँ। देखिए, इसके लिए मैं 1 कप दूध ले रही हूँ, दूध ही में पत्ती डाल दूंगी, फटना होगा तो इसी में फट जाएगा। मेरे पास 2 थर्मस है, चाय बना के मैं थर्मस में रख दूंगी। तो मेरे पास 2 थर्मस थे, एक में चाय एक में मैं दूध रख रही थी, लेकिन इस थर्मस का ढक्कन चूहा लेकर भाग गया। ये मैं इसमें 1 कप दूध डाल दे रही हूँ, दूध ही में चाय बना दूंगी, तो पानी नहीं मिक्स करूँगी उसके ऊपर। ये मेरा पैन जो है इसका बैलेंस बनता ही नहीं है गैस पर, इसी में पता चल जाएगा कि दूध फटा है कि सही है, उबलेगा तो पता चलेगा। और ये चनों को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। ये थोड़ी सी दाल कचौड़ी के लिए, थोड़ी सी दाल भिगोई है, इसको मैं पीस दूंगी। दूध उबल गया अच्छे से, दूध फटा नहीं है, थैंक गॉड। अब मैं इसका बना लेती हूँ चाय। इसके लिए मैं इसमें, चूंकि ये प्योर दूध ही है, इसलिए मैं उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दे रही हूँ, और ये चीनी भी 1 ही चम्मच के अंदाज में, तो मैं सारी चीनी मिला दे रही हूँ उसके अंदर। और उबलने के बाद मैं इसको 2 मिनट ढक के छोड़ दूंगी ताकि पत्ती का फ्लेवर जो है दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आज मेरा मन कर रहा है कि झट झट में सारा काम हो जाए तो कितना अच्छा हो, काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। ये सारा काम मैं उल्टा कर रही हूँ। चाय मुझे सबसे लास्ट में पीनी है, इसको मैं पहले बना रही हूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। अब 2 मिनट मैंने ढक्कन से ढक के छोड़ दिया है ताकि पत्ती का फ्लेवर दूध में घुल जाए। अभी मैं बनाने जा रही हूँ खरबूजे का फालूदा, इसको मैं काट के इसमें चीनी डाल दूंगी, बारीक बारीक काट करके। काट करके इसमें मैं
थोड़ा सा चीनी मिक्स कर दूंगी, इसमें से चीनी मिला दूंगी। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, दो चार बूंद, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये मेरा तैयार हो गया फालूदा। अब मैं इन खरबूजों को काट लूंगी, बीच में इसके बीज हैं, खरबूजे का बीज भी यूज होता है मिठाई वगैरह में, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसका बीज निकाला जाए। मैं इसको क्या करूंगी, मिक्सी में डाल के, खरबूजे के बीज है, मिक्सी में डाल करके इसका ही मैं फालूदा बनाऊंगी। ये देखिए, ये बारीक बारीक टुकड़े काट करके, ये पतले चाकू से बनेगा। ये देखिए, मैं सारे खरबूजे काट लिए। अब इसमें भी वही चीनी मिक्स कर देना है, चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस और चुटकी भर, चुटकी के बराबर हल्का सा नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ी देर में फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा ठंडा हो जाएगा। मेरा तरबूजा खरबूजा दोनों तैयार हो गया। ये दोनों देखिए, मेरा दोनों तैयार हो गया। ये खरबूजे का फालूदा, ये मेरा तरबूजे का फालूदा, दोनों तैयार हो गया। भुजिया बनाने के लिए मैंने बिरयानी कर ली है, दोनों दूध को एक तरफ चढ़ा दिया है, ये बिरयानी हो रही है। और तुरई को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, बिरयानी हो गई है। अब इसमें मैं अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल करके इसको मैं छिपा दूंगी, पानी इसमें से कुछ ही निकलेगा। नमक डालते ही इस तरह की पानी वाली सब्जी में से ना कुछ ही पानी छोड़ने लगता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चने की चाट। चना मैंने उबाल लिया है, उबाल के पानी फेंक दिया है इसका। अब मैंने सारे चनों को प्लेट में निकाल लिया है, जो मेरा दूध भी उबलने ही वाला है। देखिए उबलने पर आ ही रहा है। तुरई थोड़ी सी नरम होके पानी छोड़ चुकी है। अब जब ये गल जाएगी तो मैं इसको उतार लूँगी, इसके तैयार हो जाएगी खाने के लिए। मैंने अपने चने में डाल दिया है कटी हुई प्याज और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी गोलकी पाउडर और थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और सबको कर दिया है मिक्स। और ये मेरी काले चने की बिना तेल वाली चाट हो गई है तैयार। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, डाल के मिक्स कर दूँगी। रमज़ान का महीना ऐसा होता है, चाहे कोई कुछ भी करे, कितना भी नुकसान करे, कचड़ी तो रमज़ान के महीने की पेटेंट है। तो मैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है रात तेल तला हुआ खाने के लिए, फिर भी चार कचड़ी तो बनती है, तीन चार, ये मैंने चार कचड़ी चढ़ा दी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।